अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा काफ़ी हद तक मैथमेटिकल पोर्शन पे बेस करता है, जिसमें आप एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है? अ मेथड इन विच वी यूज विच इज़ यूज टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। एक ऐसा तरीके का जिसकी मदद से हम एक नंबर को जो किसी एक स्पेसिफिक नंबर सिस्टम में मौजूद होता है, किसी और नंबर ऑफ सिस्टम में तब्दील करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम कन्वर्जन। मुख्तलिफ कन्वर्जन को हमने आज के इस लेक्चर में देखना है। लाइक फर्स्ट वन इज डैट डेसिमल टू बाइनरी। हमने एक नंबर जो हमें डेसिमल में दिया हुआ है, हम उस नंबर को बाइनरी में तब्दील करेंगे। स्टूडेंट, बाइनरी की बेस जो होती है वो 2 होती है। दैट्स व्हाई जब हम 156 को बाइनरी में तब्दील करना चाह रहे हैं तो हमें इसको किस पे डिवाइड करना है? 2 पर। अब 2 7 द 14, 1 कैरी इधर गया, 2 8 द 16। स्टूडेंट, मुकम्मल डिवाइड होने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 2 3 द 6, 1 इधर लगा तो 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, अगेन मुकम्मल डिवीजन है तो 0 लग गया। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर लगा, 19, 2 9 ज़ा 18, बाकी 1 रिमाइंडर बिकॉज ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पर। 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर जो कि यहाँ पर आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, अगेन 1 रिमाइंडर जो कि यहाँ पर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0। और जब हमने इसको आंसर में लिखना है तो हमने स्टार्ट बिट कहाँ से, इनको बिट्स कहते हैं, 1 0 0 1 ही बिट्स हैं। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे हम इस साइड से और लिखेंगे 1 0 0, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 एंड 0। इस तरीके से स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी नंबर जो हमें डेसिमल में दिया हुआ हो, आप उसको बड़े आसानी के साथ 2 पर इस तरह से डिवाइड करते हुए आंसर को बाइनरी में तब्दील कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी मेथड, जो क्लास 8 में भी आपने कन्वर्जन की हुई है इस तरह की। स्टूडेंट, आगे आता है कि आपने बाइनरी को डेसिमल में तब्दील करना। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे तब्दील किया जाता है? स्टूडेंट, याद रखिएगा, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में तब्दील करना हो तो आप हर उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस के साथ। जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए गए हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी बेस के साथ। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, सो ऑन, और करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मुकम्मल। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो बेसिस मेंशन की हुई हैं, हम उनकी पावर असाइन करेंगे। लेट्स सी, लुक, देखिए हम किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम इसकी पावरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 का क्या मतलब होता है? 64। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। बिल्कुल इस तरीके से 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो 2 6 द 12, 2 5 द 10, जो कि रॉन्ग है। 2 3 द 8, 2 4 द 16, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 2। 2 की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो मैथ में वो इक्वल हो जाता है 1 के। नाउ फर्दर कैलकुलेशन, 64, 0 आ गया, 0 0 अगेन 0, देन अगेन 0 एंड 1, एंड व्हेन यू एड इट यू गेट द आंसर 65। आपने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में तब्दील कर ली। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने आज डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में किया। लाइक आपके पास ये 2 नंबर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, आपने इसको सॉल्व करना है कि 48 डेसिमल में है, 160 डेसिमल में है। आपने इसको बाइनरी में तब्दील करना है तो आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट
कि आपके पास दो नंबर बाइनरी में दिए हुए हैं, आपने इसको डेसिमल में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट इस प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए आप इन नंबर्स को बाइनरी में से डेसिमल में तब्दील कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थी आज की हमारी कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को सीखेंगे। आपने इनकी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।